तो भाई ये रही अपने गाड़ी गाड़ी सेकंड सर्विस का बिल। अब शिफ्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, बट इसका जो भी टॉप का है, मेरी चली है 3648। ये माइलेज कितना देती है? फाइनली भैया अपनी गाड़ी बन चुकी है, अभी जाते हैं रिसीव करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं और आपसे मिलते हैं सर्विस सेंटर में। ये है अपने गाड़ी सेकंड सर्विस का बिल। टोटल अमाउंट आया है 1186 रुपये, 1186। ये फ्री सर्विस है, सेकंड सर्विस। देखो ऐसे ऐसे है, और यहाँ पे भी होती है सर्विस। और ये रही अपनी गाड़ी, फिलहाल सर्विस से हो गई है। चलो चलते हैं, थोड़ा बहुत घर लेके चलते हैं। ब्रेक तो उतना नहीं लग रहे हैं, गियर शिफ्टिंग डाउन में जो भी दिक्कत होती है देखते हैं क्या क्या नहीं। कुछ ज़्यादा ही एंगल ऊपर हो रहा है। वो भैया ने सर्विस की है, सो अभी इसको चलते हैं। है भैया है गाड़ी पिकअप ब्रेक थोड़ा बहुत बोला है कि 2-3 दिन बाद लगेगा, पॉलिश कर दिए हैं ब्रेक को भी, सो इसके लिए इसको पूरा एकदम मस्त थोड़ा एक लंबा सा कट लेके मार के फिर जाएंगे घर पे। ठीक ठाक लग रही है मेरे को भाई। गियर शिफ्टिंग हल्का सा है, मतलब कट कट साउंड आती है। अब शिफ्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है, मेनली हाँ भाई वो स्मूथ है। ब्रेकिंग चेक करते हैं, ओके मैनेजेबल, ओ सही है, सुपर सुपर सही किए इन्होंने। वो भैया जो था नहीं, उन्होंने ही सही किए भाई। हाँ ठीक ही ठाक है। क्या देख रहे हैं भाई? गुड फाइन। अब मतलब इसको कभी ना टॉप मारेंगे, क्योंकि बोलते थे भाई दो सर्विस के बाद। मैं उसको बोला कि भाई मतलब जो जो उनका हेड या सीनियर जो भी था, मैंने उनसे पूछा कि भाई आप मतलब इसको भगा सकते हैं? बोला हाँ हाँ हाँ, यंग बे का अंगूर से इट मीन कि मतलब जैसा चलाना वैसा चलाओ। तो लास्ट टाइम ये गई थी 117, एक सर्विस भी नहीं हुई थी, सो अभी देखते हैं कितना जाती है। यहाँ पे नहीं कभी ट्राई करेंगे। वैसे तो मैं मतलब ओवर स्पीडिंग को सपोर्ट नहीं करता हूँ, बट इसका जो भी टॉप का है चेक करने के लिए वो। अब बाकी भाई माइलेज का तो कोई भरोसा नहीं, और गाड़ी मेरी चली है 3648, जाते जाते हो जाएगा 3650 किलोमीटर। ये सही है। अब यार ये विंड ब्लास्ट का क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। अरे ओ बेटा जी, किस्मत की हवा कब नरम कभी गर्म।
ये देखो भाई क्या मस्त नज़ारे हैं। ओ फाइनली भाई ये वाली बिल्डिंग ना तकरीबन बहुत टाइम से बन रही थी, आज जाके इसका मतलब फिर काम शुरू हुआ है। ओई 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 ओई। हाँ मतलब गियर शिफ्टिंग भी अभी स्मूथ ही लग रहा है यार। पिकअप ओके, उसका भाई तो नॉर्मल है, बोला ना कि मतलब फर्स्ट एंड सेकंड गियर में पिकअप मस्त है, थर्ड के बाद थोड़ा बहुत लुल्ल जैसा है। बट अगर आप एक सर्टेन स्पीड पे क्रूज करोगे ना अच्छा देती है भाई। सेकंड सर्विस हो गई है ना, अब देखिए माइलेज कितना देती है, क्योंकि पहले ज़्यादा भगाते नहीं थे हम लोग, अभी भी नहीं भगाएंगे, बट देखेंगे मतलब ऑन एन एवरेज कितना निकाल के देती है। ये ऑटोमोटर के जो फ्यूल का बताता ना एफिशिएंसी, वो तो साला कुछ अलग ही बताता था। मतलब BIC वाले में पेट्रोल नहीं था तो उस समय क्या होता बता रहा था 99 किलोमीटर जाएगी, और जहाँ मैं वहाँ से मेरा घर था 35 या 38 किलोमीटर्स। सो हाँ भाई लेकिन लकीली पहुँचा देती एक मतलब एक सर्टन स्पीड मेंटेन करके। तो भाई अगर हिसाब से चला रहा है ना ये गाड़ी को, कोई हिसाब से एकदम ध्यान से एक स्पीड मेंटेन करके ट्रैफिक कम रहे तो आपको ये 40 दे देगी। बाकी इन केस इफेक्ट अगर सिटी में रह रहे हो और यहाँ वहाँ मतलब ज़्यादा रेसिंग करते हो रेव करते हो तो भाई वो ही देगा आपको 30 to 35, बस उससे ज़्यादा नहीं देगा भाई। अगर ध्यान से मतलब सही से चलाते हैं एक जो भी इसका स्पीड है नॉर्मल लाइक 60 to 70 80 तो उस हिसाब से ये 40 देगी। अब चेक करेंगे ना हम लोग भी कितना देती है कितना नहीं, अभी नहीं बाद में चेक करेंगे, पहले इसका फ्यूल ख़त्म होने दो। तो बाकी तो ठीक है। अरे यार ये निकल रहा है हाथ का अपना है, वो ये दिक्कत। और भाई यहाँ पे अभी हर जगह ना हर गली में मिल जाएगा एक गणेश आपको मिल जाएगा, हमारे अपार्टमेंट में भी रखा हुआ है, सो उसका भी दिखा दूंगा आपको। और ये निकल रहा है यार, ये 3M स्टिकर नहीं है, जो नॉर्मल विनाइल आती है वही विनाइल है। वाह 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 वाह, मजा आ गया भाई बीट सुन के। डिंक चिक डिंक चिक। तो भैया अभी फ़िलहाल पहुंचने वाले हैं घर, तो थैंक यू एवरीवन दोज हु हैव सपोर्टेड भाई, थैंक यू टू एवरीवन। ये भाई लोग कहीं कहीं से भी आने लगते हैं यार। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। सो अपनी गाड़ी 5 किलोमीटर चल के देख रहो 3653 किलोमीटर। तो भाई ये रही अपनी गाड़ी, एकदम चम चमक चमक रही है, पॉलिश वॉलिश हुई है, मस्त लग रहा है यार। फोटो ले लेते हैं इसका, सही है, बट दिक्कत एक है ना भाई, ये निकल रहा देखो वीडियो में बोला लेकिन निकल रहा है, इसको निकाल लेते हैं।
एक GoPro लगाने के लिए था। अभी तो गाड़ी ठीक लग रही है, बट मेरे भाई लोग आके कलाकांडी ना करें। बाय बाय।